नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय है दया और करुणा। दया और करुणा में बुनियादी तौर पे बहुत फर्क है, पर अक्सर हमने दया और करुणा को एक ही मतलब में समझा है। अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो दया और करुणा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर उन दोनों के अर्थ में बहुत भेद है, बहुत ही बुनियादी भेद है। वो क्या भेद है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दया परिस्थिति जन्य उत्पन्न होने वाला भाव है, जबकि करुणा मनस्थिति द्वारा उत्पन्न होने वाला भाव है। दया परिस्थिति के दबाव से उत्पन्न होने वाला भाव है, जबकि करुणा हृदय की परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला भाव है। दया परिस्थिति के दबाव से उत्पन्न होने वाला भाव है और करुणा हृदय के विकास से उत्पन्न होने वाला भाव है। इस बात को थोड़ा समझे। दया के साथ साथ, दया के भाव के साथ साथ अभिमान भी पैदा होता है, और जब अभिमान मर जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, तभी करुणा का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि यूं कहे कि जब जब भी आप किसी पे दया करते हो तो आप में अभिमान होना स्वाभाविक है, और जब भी करुणा का भाव उत्पन्न होता है तो अभिमान संपूर्णतया समाप्त हो जाता है, और तभी करुणा का उत्पन्न होना संभव है। करुणा में बैठा व्यक्ति 2400 घंटे करुणा में ही रहता है। करुणा हृदय की अंतरदशा का भाव है। वह 2400 घंटे करुणावान ही रहेगा, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि दया बाहर की परिस्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके सामने एक भिखारी आ जाए तो उस भिखारी को देखकर जो आपके मन में पैदा होगी वो दया पैदा होगी, करुणा पैदा नहीं होगी। एक भिखारी को देखकर आपके मन में जो सबसे पहले भाव उत्पन्न होगा वो दया का भाव उत्पन्न होगा, और जैसे ही उस भिखारी को आप कुछ देते हैं, खाना देते हैं या पैसे देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो उससे सबसे पहले आपको उस देने के भाव से मैं को जो रस मिलता है वही सूक्ष्म अहंकार है। भिखारी को देने के भाव से आपके मन को जो अहंकार मिलता है, जो रस मिलता है, उसी रस से सूक्ष्म अहंकार पैदा होता है। ये तो सूक्ष्म अहंकार हो गया। पर अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को दान करता है तो अपना नाम वो पहले चाहता है, बिना नाम के वो कभी किसी को दान नहीं करता, अहंकार का भाव है। कई बार आपने ये भी देखा होगा, छोटी छोटी चीजों में भी जब इंसान किसी की सेवा करता है, दया के भाव से किसी की सेवा करता है, तो उनकी भी तस्वीर खींच के वो सेम डे मैं कहता हूँ कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल देता है कि आज मैंने ये फला फला काम किया। उससे भी उसके मैं को रस मिलता है, उसको अहंकार मिलता है, दया के साथ अहंकार का भाव पैदा होता है। और अगर आप ऐसा कोई भी कृत्य नहीं कर रहे हो कि आप तस्वीर भी नहीं खींच रहे हो, आप फेसबुक पे भी नहीं डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाल रहे हो, आप किसी को बता भी नहीं रहे हो कि मैंने ऐसा कोई काम भी किया है, तब भी वैसे काम करने के बाद आपको जो रस मिलता है, एक खुशी मिलती है, उस खुशी से आपको फिर दोबारा करने का मन करता है, क्योंकि वो खुशी आपको एक रस देता है। वही रस एक सूक्ष्म अहंकार भी है। तो ये तो हो गई दया का भाव कैसे उत्पन्न होता है। दया के भाव के साथ में अहंकार का भी उत्पन्न होना स्वाभाविक घटना है। अब अगर बात करें करुणा की, करुणा स्वभाव है, हृदय के परिवर्तन का, हृदय के विकास का जो भाव है वही करुणा है। करुणा का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो एक बहुत ही अच्छी घटना है जिसके बारे में मैं आपसे उस उदाहरण के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि करुणा क्या है। करुणा बाहर की परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला भाव नहीं है। उदाहरण के तौर पे, एक सूफी फकीर था जिसकी एक आदत थी कि उसने जीवन में कभी भी अकेले खाना नहीं खाया, कभी भोजन अकेले नहीं किया। हर बार, हर पहर
उसने किसी ने किसी को अपने साथ एक व्यक्ति को बिठाया और उसके साथ में ही भोजन किया। ये उसका एक नियम था और उसने ये नियम लिया था कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठेगा तो मैं उस वक्त खाना नहीं खाऊंगा। संजोग की बात है कि एक दिन ऐसा आया कि उसके साथ खाना खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं मिला खाना खाने के लिए। तो उस दिन उसने अल्लाह से, सूफी फकीर था, अल्लाह से प्रार्थना की कि ए अल्लाह, या तो किसी को भेज दे तो मैं खाना खा लूंगा, और अगर तुम किसी को नहीं भेजते तो आज के दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना को सुनी और उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक भिखारी खड़ा था। उस भिखारी ने कहा कि मुझे भोजन मिलेगा? सूफी फकीर ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था, आओ अंदर बैठो, अल्लाह ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सूफी फकीर और वो भिखारी साथ में खाना खाने बैठे। वो 70 वर्ष की उम्र का एक वृद्ध भिखारी था, उसकी उम्र 70 साल की थी। जब खाना खाने बैठे और रोटी का पहला कौर तोड़ा उस भिखारी ने, और जैसे वे कौर मुंह तक ले गया, उस सूफी फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस सूफी फकीर ने कहा कि खाने का कौर मुंह में डालने से पहले तुमने बिस्मिल्लाह नहीं किया, तुमने उस अल्लाह को शुक्रिया अदा नहीं किया जिसने तुम्हें आज भोजन दिया है। ये घटना बड़ी अद्भुत घटना है, समझने की कोशिश करना आप। उस सूफी फकीर ने उससे कहा कि खाना खाने से पहले तुमने बिस्मिल्लाह नहीं किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया, और तुम खाना खा रहे हो, पहले उसका शुक्रिया तो अदा करो। उस भिखारी ने कहा, मैं न तो अल्लाह को मानता हूं और नहीं भगवान को मानता हूं, तुम्हें खाना खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो मैं तो भूखा ही चला जाऊंगा। मैं अल्लाह को भी नहीं मानता और मैं भगवान को भी नहीं मानता, मैं जीसस को भी नहीं मानता, मैं किसे भी नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, तुम्हें खाना खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। सूफी फकीर हैरान रह गया उसकी इस बात को सुनके, उसकी इस नास्तिकता को सुनके, उसकी फट को सुनके। पर तभी एक आकाशवाणी होती है और अल्लाह बोलते हैं उस सूफी फकीर से कि जब 70 साल से इस नास्तिक को मैं खाना खिला रहा हूं जो मुझे ही नहीं मानता, जब 70 साल से इस भिखारी को, इस वृद्ध व्यक्ति को मैं खाना खिला रहा हूं जो मुझे भी नहीं मानता, तब भी मैं उसे खाना खिला रहा हूं, तब तुम कौन हो जो आज इसे खाना खाने से, खिलाने से रोक रहे हो? मेरी करुणा तुम पर भी उतनी ही है जितनी कि इस वृद्ध भिखारी पर है। मेरी करुणा जो मुझे मानता है उस पर भी उतनी ही है जो मुझे नहीं मानता है। ईश्वर का स्वभाव करुणा है, अल्लाह का स्वभाव करुणा है, जीसस का स्वभाव करुणा है, महावीर का स्वभाव करुणा ही था, बुद्ध भगवान का स्वभाव भी करुणा ही था। वो किसी बाहरी परिस्थिति से पैदा नहीं होती, वो हृदय के विकास से पैदा होती है। जब भी ध्यान के माध्यम से आप अहंकार को पूरा शून्य कर देते हो, उसी से उत्पन्न होने वाला जो भाव है, हृदय का जो विकास है, वही करुणा है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय आपको मेरा पसंद आया। करुणा और दया में क्या डिफरेंस है, कि इस भाव में क्या फर्क है, इस भाव को समझाने की मैंने एक छोटी सी कोशिश आपको की है, और उम्मीद भी करता हूं कि आप भी जल्द ही दया के भाव से ट्रांसफॉर्म होके, इस भाव को बदल के, रूपांतरित करके, हृदय के विकास के साथ आप भी एक दिन करुणा से भर जाए। धन्यवाद। फिर से एक बार अगली बार कुछ अच्छे विषय के साथ में आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया अदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।